हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरे एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था का किस तरह, फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया, हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए, हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है, वो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी हूं, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करते, या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने धरती ने वो नजारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दी, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दी, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हम ना असल में इज्जत नहीं दे पाए, हमने वो जो स्टेटस का फर्क रखा हुआ है ना उसने तबाही कर दी। मजेदार रोटी वैसे कौन खाता है, जो रोज छोटा गोश्त खाता है, कौन मजेदार खाना कौन खाता है, जो टिक्के खाता है रोज, मैं बताता हूं मजेदार रोटी वो मजदूर खाता है जो काम पे जाते हुए ना सवेरे दो रोटियों में अचार रख के साथ लेके जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कभी देख लेना उसे खाते, हाँ कभी देखना, मदरसे में मजदूर लगे हुए तो मैं देखता था दो रोटियां सवेरे, वो तो नखरा करता है भाई, लोग कहते हैं ये मुझे बंद है ये मुझे खुला है इसमें नमक ज्यादा है इसमें, क्योंकि वो अमीर आदमी है जो 50,000 रुपया रोज का कमाता है, वो तो पैसे देख ही नहीं सकता, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं बैंक से निकल जाते हैं। वो जो 600 रुपया दिहाड़ी कमाता है ना 600, वो तीन दफा हाथ झाड़ता है तीन दफा बिस्मिल्ला पढ़ता है। हाँ वो ये 50,000 वाले को कहां बिस्मिल्ला याद रहती है, तो आए बैंक में और गए बैंक से। मजदूर सवेरे दो रोटियां बांध के लाता है, दोपहर तक वो अचार जो रखा होता है वो भी आधा पोने को लग जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है, एसी वाले कमरे में इतना चस्का नहीं रोटी खाने का, लेकिन वो थोड़ी सी छांव देखता है, उसके नीचे जाता है, फिर अपने हाथ धोता है, फिर पानी भरता है प्याले में, और फिर जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाता है, कभी उसकी आंखें देखो, कभी उसका कभी निजाम देखो, और फिर जब वो रोटियां खा के आसमान की तरफ देखता है तो लगता है कायनात का सबसे बेहतरीन खाना खाया है और बेहतरीन शुक्रिया भी अदा कर रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुनिया का बेहतरीन खाना वो है जो इंसान मेहनत की मजदूरी से खाता है, बेहतरीन रोटी है वो बेहतरीन। नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी, नबी करीम का इनकलाब यह है कि, और हुजूर ने ना एक और बात भी जहन में रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि गुनाह गुनाह होता है, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, कैमरे लगाने से गुनाह नहीं खत्म होते, चौकियां बनाने से नहीं खत्म होते, गुनाह तब खत्म होते हैं जब एहसास पैदा हो जाए कि ये चीज गलत। मेरे मुआशरे में गाली को लोग गुनाह ही नहीं समझते, बिल्कुल ये तो कोई जुर्म ही नहीं, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को गाली देना एलानिया फिस्क है, जो किसी मोमिन को गाली देता है वो एलानिया अल्लाह की नाफरमानी का, ये कोई गुनाह ही नहीं। अब दो तीन पांच लतीफे झूठे सुना जाना ये गुनाह ही कोई नहीं, और नबी पाक ने फरमाया मोमिन बुजदिल हो सकता है कंजूस हो सकता है पर मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। आप समझे बात, हमारे यहां ये मियार बन गया कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। नबी करीम ने ना इनकलाब ये बर्पा किया कि दिलों के अंदर से ना मैल कुचैल निकाल के एहसास पैदा कर दिया कि गुनाह गुनाह होता है। एहसास, जब आपको एहसास पैदा हो जाए ना कि मुझसे, आप यकीन करें मतलब मोटरसाइकिल वाले को पजारों वाला जब टक्कर मार देता है ना तो वो गिर जाता है, तो वो चूंकि पजारों में बैठे होता है तो वो अलमारी खोल के या शीशा नीचे करके तो वो उसको कहता है कि उठ जा क्या हो गया, मतलब तू ध्यान से नहीं चल रहा, मोटरसाइकिल वालों ने तो खरीद लिया है ये रोड, क्योंकि वो पजारों पे है।
लिहाजा वो गलती भी करे तो फिर भी वो तस्लीम करने को तैयार है। ऐसे ना हो तो अकल भी तो नहीं ना होती। जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बरपा किया कि एहसास पैदा किया, गलती का एहसास।